हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आश्रम, मुंबई आई केयर से ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। कुछ दिनों पहले हमने लेसिक के बारे में कुछ जानकारी दी थी इन वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। आज की वीडियो में उस लिंक के ऊपर हमें काफ़ी कमेंट्स मिले हैं और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो हम उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ये क्वेश्चंस में आपके जो जो डाउट्स हैं वो सारे हमें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें गौरव जाट जी ने पूछा हुआ है, जो कहते हैं कि सर माय एज इज 21 एंड वन आई देयर इज अ केस ऑफ एम्ब्लायोपिया, सर प्लीज टेल मी वेदर इट कैन बी ट्रीटेड विद लेसिक सर्जरी। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि एम्ब्लायोपिया क्या होता है। एम्ब्लायोपिया या लेजी आई एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी एक आंख से या दोनों आंखों से आपको नज़र कम होती है, और इस सिचुएशन में कोई एक्चुअल पैथोलॉजी नहीं होती है आंख में। ये कब होती है? जब आपकी आंखों के नंबर में, दोनों आंखों के नंबर में काफ़ी हाई डिफरेंस रहता है और एक आंख देखने के लिए कम हो जाती है नज़र उसकी, और चश्मा डालने के बावजूद भी उसकी नज़र पूरी नहीं आती है, तब हम उस कंडीशन को लेजी आई या एम्ब्लायोपिया कहते हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आप चश्मा पहनने के बावजूद भी आपकी नज़र कंप्लीट नहीं होती है। तो लेसिक करा के आपके आंखों के पावर का डिफरेंस, जिसको हम आइसोमेट्रोपिया कहते हैं, मतलब एक आंख में पावर ज़्यादा होना और एक आंख में कम होना, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। कि अगर आपकी एक आंख में पावर बहुत ज़्यादा है और दूसरी में कम है, तो आप लेसिक सर्जरी करा के दोनों के आंखों का पावर को ऑलमोस्ट निगेट कर सकते हैं, बट आपकी लेजीनेस को हम लेसिक करके नहीं करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दूसरी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको हम विजन थेरेपी कहते हैं। तो आप विजन थेरेपी करा के आपके एम्ब्लायोपिया को या लेजीनेस ऑफ द आई को ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, गौरव जी ने पूछा है, इज दिस ट्रीटमेंट ओके फॉर डिफेंस? सो डिफेंस जैसे कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो लेसिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसके कोई क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि आर्मी और नेवी या एयरफोर्स में आपके विजन 6x6 होनी चाहिए। और अगर आप लेसिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि लेसिक ट्रीटमेंट आप करवाना चाहते हैं तो आपकी आर्मी और नेवी की सिलेक्शन के पहले आपकी एज 19 साल से पहले या 20 साल के पहले ये ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया वो होता है। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आपका करेक्शन जो किया गया है वो करेक्शन होने के 6 से 12 महीने बाद ही आप अपीयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तीसरा, लेसिक ट्रीटमेंट हो जाने के बाद आपकी रेसिडुअल कॉर्नियल थिकनेस 450 माइक्रोन से ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा, आपको कोई नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। पांचवा, -6 से आपका करेक्शन का नंबर कम होना चाहिए करेक्शन के टाइम पे। ये और उससे ज़्यादा ज़रूरी है, आफ्टर सर्जरी आपकी विजन 6x6 होनी चाहिए इन द बेटर आई और 6x9 इन द वर्स्ट आई। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया को अगर आप मीट करते हो तो आप लेसिक सर्जरी करा सकते हो। हावेवर ये क्राइटेरिया जो होते हैं वो डिफेंस वाले या जो भी आप एकेडमी कर रहे हो, जो भी आप फील्ड चूज कर रहे हो, उनके एग्जामिनर्स ही फाइनल क्राइटेरिया आपको बता सकते हैं। पर ब्रॉडली ये क्राइटेरिया में अगर आप फिट आते हो तो आपकी लेसिक सर्जरी ज़रूर हो सकती है। नेक्स्ट, एक यूट्यूब यूज़र पूछते हैं, हेलो सर, आई हैव -15 नंबर, सो विच प्रोसीजर कैन अप्लाई इन माई आईज, प्लीज गिव मी सजेशन। सो जब आपका नंबर -8 या -10 से ज़्यादा होता है तो लेसिक सर्जरी प्रेफरेबल नहीं होती है। इन केसेस में ICL या IPCL सर्जरी करके आपके चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राजा इब्राहिम ने, उन्होंने पूछा है, वॉट इफ गेटिंग लेसिक डन इन माई आईज एंड आई गेट अगेन पावर, इज इट ट्रीटेबल और नॉट? यूजली लेसिक सर्जरी काफ़ी सेफ मानी जाती है और इन केसेस में चश्मे का नंबर वापस आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हावेवर अगर कुछ केसेस में आपको चश्मे का नंबर वापस आ जाता है और अगर आपकी कॉर्निया की रेसिडुअल थिकनेस काफ़ी अच्छी है तो आपका लेसिक सर्जरी रिपीट भी किया जा सकता है और ये नंबर को हम करेक्ट भी कर सकते हैं। पर ये करने के पहले हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं कि अगर आपका ये नंबर सिर्फ रेसिडुअल नंबर या रिकरेंट नंबर है या आपको पोस्ट लेसिक एक्टेजिया है। अगर आपको पोस्ट लेसिक एक्टेजिया, जो कि एक बीमारी होती है जिसमें आपका नंबर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो जाता है, इस कंडीशन को केराटोकोनस भी कहते हैं, तो हम लेजर सर्जरी रिपीट नहीं करते हैं। बट अगर ये सिर्फ रेसिडुअल नंबर या रिकरेंट नंबर है तो हम आपको रिपीट लेसिक करके ये नंबर को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर इंशान वाहिद ने पूछा है, सर आई हैव हर्ड लेजर कॉजेज लेजी आई,
आफ्टर सर्जरी या भेंगापन आफ्टर सर्जरी, कैन यू प्लीज क्लियर दिस? लेसिक सर्जरी से आपकी आंखों में कोई भेंगापन नहीं आता है, ना ही लेजी आई होती है। ये सर्जरी काफ़ी सेफ मानी जाती है, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनदर यूज़र ने पूछा है, यूट्यूब यूज़र ने पूछा है, सर आफ्टर लेसिक इज़ देर एनी साइड इफ़ेक्ट्स? लेसिक सर्जरी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, काफ़ी सेफ सर्जरी मानी जाती है। हावेवर इस सर्जरी के बाद ट्रांजिएंटली लोगों को ड्राइनेस की कंप्लेंट भी होती है, जो कि लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से ट्रीट की जा सकती है, और आपका आँख की ड्राइनेस लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से करेक्ट की जा सकती है। कुछ लोगों को इनिशियली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में थोड़े स्टारबस्ट या हेलोस या गोस्टिंग ऑफ इमेजेस भी दिखते हैं, वो भी आपको ड्रॉप से करेक्ट किए जा सकते हैं, और ओवर लॉन्ग टर्म ये काफ़ी सेफ मानी जाती है। तो ये सर्जरी रिलेटिवली सेफ है, और ये माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि ट्रांजिएंट होते हैं, और कुछ टाइम बाद वो भी चले जाते हैं। तुषार जी ने पूछा है, हेलो सर, आई हैड कैटरेक्ट सर्जरी इन बोथ आईज इन नवंबर 2019 एंड नाउ आई एम वेयरिंग स्पेक्टिकल, इज लेसिक पॉसिबल? सो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अगर आपको रिफ्रैक्टिव सरप्राइज आता है, तो आप लेसिक सर्जरी करा सकते हैं, जिसमें आपके दूर का नंबर करेक्ट किया जा सकता है, और इससे आपको स्पेक्टिकल से फ्रीडम मिल सकती है। पर हालांकि ये सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हम मिनिमम 3 महीने के टाइम के लिए वेट करते हैं, उसके बाद ही हम लेसिक सर्जरी प्लान कर सकते हैं। फानी बसा जी ने पूछा है, कैन आई ड्राइव कार और बाइक आफ्टर अंडरगोइंग लेसिक? यस, लेसिक सर्जरी के बाद आप ड्राइविंग रिज्यूम कर सकते हो, हालांकि हम इनको एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 1 से 2 दिन तक आप ड्राइविंग अवॉइड कीजिए आफ्टर योर सर्जरी, एंड 2-3 दिन बाद आप डे ड्राइविंग शुरू कर सकते हैं, एंड आफ्टर अ वीक आप नाइट ड्राइविंग भी शुरू कर सकते हैं। बाय देन आप कंफर्टेबल हो जाओगे ड्राइविंग करने के लिए भी। वेंकटेश जी ने पूछा है, सर हाउ मेनी टेस्ट आई नीड टू डू प्री लेसिक एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्री लेसिक टेस्ट? सो प्री लेसिक इवैल्यूएशन में काफ़ी सारे जांच किए जाते हैं टू डिटरमाइन वेदर आप लेसिक के लिए सूटेबल हो कि नहीं। इन टेस्ट में ये टेस्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपके चश्मे का नंबर है, वो एक टेस्ट होता है। दूसरा, आपकी कॉर्निया की थिकनेस देखी जाती है, कॉर्निया का शेप जैसे कि टोपोग्राफिक टेस्ट से किया जाता है, डायलेटेड रेटिनल एग्जामिनेशन किया जाता है, इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी की जाती है, और कॉर्निया का ड्राई स्टेटस भी चेक किया जाता है। अगर आपको ड्राई, इनमें से सारे क्राइटेरिया से अगर कोई भी क्राइटेरिया में आप अनफिट माने जाते हो, तो आप लेसिक के लिए अनफिट माने जाते हो। यूजुअल कॉस्टिंग इन सारे टेस्ट के मिला के अराउंड 3,000 रुपीज़ होती है, और ये टेस्ट करने के बाद ही हम आपको डिटरमाइन करेंगे वेदर आप लेसिक के लिए सूटेबल हो या नहीं हो, और अगर आप सूटेबल हो तो ही हम लेसिक सर्जरी के लिए आगे बढ़ेंगे, या आपको दूसरे ऑप्शंस भी बताए जाएंगे उसके बाद। मुस्कान सैफी जी ने पूछा है, सर मेरे रिलेटिव का 2-3 साल के बाद नंबर आ गया था लेसिक करने के बाद, ऐसा क्यों हुआ सर, प्लीज़ टेल मी। सो आपके रिलेटिव के प्री ऑपरेटिव अगर हम स्कैन्स देख पाएंगे, तो हम बता पाएंगे कि उनको कॉर्नियल एक्टेजिया की कोई रिस्क थी या नहीं। सो यूजुअली अगर उनको कॉर्नियल एक्टेजिया की रिस्क नहीं होती है, तो रिकरेंस नंबर आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। प्लस ये भी देखना ज़रूरी था कि उनके लेसिक होने के पहले उनका नंबर स्टेबल था कि नहीं, और किस एज पे लेसिक किया गया है। लेसिक सर्जरी हम यूजुअली 18 इयर्स के बाद ही करते हैं, जब उनका चश्मे का नंबर स्टेबल होता है, और अगर वो स्टेबिलिटी नहीं होती है तो हम लेसिक सर्जरी अवॉइड करते हैं। और अगर वापस नंबर आया है, तो सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि उनको कॉर्नियल एक्टेजिया हुआ है कि नहीं, और अगर ये सिर्फ रेसिडुअल नंबर है या रिकरेंट नंबर है, तो हम उनको रीलेसिक करके करेक्ट कर भी सकते हैं। नरेंद्र गोरे जी ने पूछा है, सर मैंने 2019 में गवर्नमेंट एग्जाम पास करने के लिए पीआर के सर्जरी करवाया था, और उसके बाद आंखों में नॉमिनल कॉर्नियल स्कार डेवलप हो गया है, तो ये स्कार पीटीके सर्जरी से निकाला जा सकता है क्या? जी, कई बार पीआर के सर्जरी करने के बाद थोड़ी सी कॉर्नियल स्कारिंग नोन है, ये स्कारिंग रिमूव करने के लिए हम पीटीके सर्जरी करके इनको रिमूव कर सकते हैं, जिसके बाद आपका ये स्कार निकल सकता है। हावेवर पीटीके करने के बाद आपको थोड़ा सा चश्मे का नंबर आने के भी चांसेस होते हैं, और उसके लिए आप चाहे तो रिपीट पीआर के करवा सकते हैं। गौरव पांडे जी ने पूछा है, इज लेसिक सर्जरी डिटेक्टेबल ऑन स्लिट लैम्प? जी, लेसिक सर्जरी होने के बाद आपके फ्लैप के एजेस दिख जाते हैं, और स्लिट लैम्प पे ये डिटेक्टेबल भी होता है। अनदर यूट्यूब यूजर पूछ रहे हैं कि सर तुमने क्यों नहीं किया है? सो हर एक का लेसिक सर्जरी सूटेबल नहीं होता है। मेरे केस में मुझे फॉर्म फ्रेस्टिक इराटोकोनस है, जिस कंडीशन में आपकी लेसिक सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ये आपको डिटेक्ट की जाती है जब आप टोपोग्राफी टेस्ट करवाते हो, तो टोपोग्राफी टेस्ट पे अगर आपको किराटोकोनस या फॉर्म फ्रेस्टिक इराटोकोनस होता है, तो इन केसेस में लेसिक सर्जरी नहीं हो सकती है।
अनफॉर्चुनेटली मुझे ये फॉर्मफेस्टर केराटोकोनस है जिसकी वजह से मेरा लेसिक नहीं हो सकता है, और ये भी तब डिटेक्ट हुआ जब मैं प्री लेसिक चेकअप के लिए ऑलमोस्ट 10 साल पहले गया था, तब पता चला कि मेरा लेसिक सर्जरी नहीं हो सकता है। पवन कुमार जी ने पूछा है हाउ सक्सेसफुल लेसिक सर्जरी वुड बी इन एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म अ सिलिंड्रिकल पावर लेस देन अराउंड 6 डायोप्टर्स कैन बी करेक्टेड विद लेसिक सर्जरी, हाउएवर जब वो 6 से ज़्यादा होता है तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। राधिका साहनी जी ने पूछा है कि सर क्या एक आई का लेज़र कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको एक ही आँख में नंबर है तो उसका भी लेज़र सर्जरी हो सकता है और उस आँख का नंबर करेक्शन भी हो सकता है। मिस्टर्स प्रार्थना ने पूछा है इस लेसिक सर्जरी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। सो देर आर सर्टन इंश्योरेंस कंपनीज दैट डू कवर लेसिक सर्जरी, सो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पॉलिसी। सो इट वुड बी बेटर दैट इफ यू कुड स्पीक टू योर HR ऑफ योर कंपनी इन केस यू हैव अ कॉर्पोरेट पॉलिसी, और इफ यू हैव एन इंडिविजुअल पॉलिसी डू स्पीक टू योर एजेंट, दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर इफ इट इज कवर अंडर योर मेडिक्लेम और नॉट। प्रफुल्ल महाजन जी पूछते हैं सर आई हैव हर्ड दैट आफ्टर लेसिक सर्जरी डन इट माइट हैपन दैट यू विल हैव ड्राई आई सिचुएशन व्हिच मे नॉट बी रिवर्स्ड इन ड्यू टाइम। आई मीन टू से इफ यू कट ओपन अ फ्लैप इट इज नॉट प्रॉपरली अटैच्ड टू द कॉर्निया देन व्हाट। आई एम प्रीटी मच स्केयर्ड विद ड्राई आईज, दैट्स व्हाई आई वुड नॉट एबल टू टेक इनिशिएटिव कॉन्टैक्ट डॉक्टर टू गेट माई लेसिक डन। सी लेसिक सर्जरी के बाद ड्राइनेस काफ़ी ट्रांजिएंट होती है, हालांकि कुछ लोगों के केसेस में एक लंबे समय तक भी चलती है। हावेवर आज की डेट में हमारे पास अच्छे ड्रॉप्स अवेलेबल हैं जिससे कि ड्राई आई भी हम ट्रीट कर सकते हैं, और अगर आपको ड्राइनेस ज़्यादा रहती है तो IPL करके ट्रीटमेंट भी की जाती है जिसमें हम ये ड्राइनेस को भी करेक्ट कर सकते हैं और आपको ड्राइनेस से छुटकारा भी मिल सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम प्री ऑपरेटिवली भी आपके ड्राई का स्टेटस चेक करते हैं। अगर आपको ड्राई का ज़्यादा रिस्क है तो हम यूजली लेसिक सर्जरी अवॉइड करते हैं इन केसेस में, और अगर आपको ड्राइनेस फील होती है लेसिक सर्जरी के बाद तो ड्रॉप से भी करेक्ट किया जा सकता है या IPL ट्रीटमेंट करा के भी करेक्ट हो सकता है। गजानन जी पूछते हैं कि लेसिक ऑपरेशन के बाद मोती बिंदु होता है या नहीं। सो मोती बिंदु यूजली एक एजिंग बीमारी होती है और इसका लेसिक से कोई संबंध ही नहीं होता है, तो आप लेसिक सर्जरी करवाओ या ना कराओ आपको एक एज के बाद कैटरेक्ट डेवलप होना ही होना है और इसका लेसिक से कोई भी संबंध नहीं होता है। सो आप बेफिक्र होकर लेसिक सर्जरी करा सकते हैं, और जब आपको मोतीबिंदु एक एज के बाद डेवलप होना है तो होना ही है। उसके जैसे ही जैसे नियर का नंबर होता है जिसको प्रेसबायोपिया कहते हैं, वो भी आप लेसिक के से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आप लेसिक सर्जरी करवाओ या ना करवाओ, एक 40 के एज के बाद आपको नज़दीक का चश्मा लगना है और वो लगना है। अनफॉर्चुनेटली ये सर्जरी से हम एजिंग तो नहीं रोक सकते, इसलिए एजिंग बीमारियाँ आपको कंटिन्यूस रहने ही वाली हैं। बट ब्रॉडली ये जानना ज़रूरी है कि लेसिक एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। अगर हम सारे क्राइटेरियाज को अच्छे से फुलफिल करते हैं तो ये सर्जरी करवाने से आपका चश्मा परमानेंटली हट सकता है और आप एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं बिना ग्लासेस के। सो मैं डॉक्टर जतिन आशर मुंबई आई केयर से आपकी कोई भी आंखों की बीमारी के लिए हम उपलब्ध हैं, और आपके अगर कोई भी और एक्स्ट्रा डाउट्स हैं तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिसको हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपको चश्मे का नंबर है और आप लेसिक के लिए सूटेबल हैं तो ये सर्जरी ज़रूर करवाइए और एक स्पेक्टिकल फ्री लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।